हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस। और ये चैप्टर 13 है और इसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। और देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है हमें, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹400 एट ए रेट ऑफ 5% फॉर 2 ईयर। तो देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक साल के लिए हम निकालते हैं, एक साल में जितना भी इंटरेस्ट बना उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यदि वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाए और फिर वो ऐड होकर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा आपका जो अमाउंट है, और सेकेंड ईयर में फिर वही कंपाउंडेड जो है आपका जो है इंटरेस्ट निकलता है। तो कैसे करते हैं, अभी एक एक करके करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमको दिया है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है हमारी ₹4,000। इसके अलावा हमें रेट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 5%। और उसके अलावा जो हमको टाइम दिया है ये है 2 ईयर्स, ठीक है। अब हमें देखिए करना क्या है, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें जो है हम टाइम को 1 ईयर लेते हैं, यानी हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखिए, प्रिंसिपल में आपको 4000 लिखना है, फिर उसके बाद रेट में आपको लिखना है 5, और टाइम में आप 1 लेंगे, 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब क्या होगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, अब यहाँ बचा 40 और 5, 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा 200। तो देखिए, आफ्टर 1 ईयर जो हमारा इंटरेस्ट बनेगा 4000 पे वो बनेगा ₹200। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हमको तो 2 ईयर के लिए निकालना है, 2 ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब जो है 4000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा जो न्यू अमाउंट है, जो पहले हमने इन्वेस्ट किया था 4000, अब वो इंक्रीज हो गया है 4000 प्लस 200, तो ये बन गया 4200। तो ये जो है, अब सेकेंड ईयर में जब आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आपको 4200 को लेना पड़ेगा एज ए प्रिंसिपल। अब ये तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। और सेकेंड ईयर के लिए हमें प्रिंसिपल अब लेना पड़ेगा 4200 या 4200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 5%, और टाइम को हम 1 लेंगे क्योंकि सेकेंड ईयर में हम निकाल रहे हैं इसलिए 1 ईयर का ही निकलेगा, डिवाइडेड बाय 100। अब दो जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएंगे तो जो बचेगा वैल्यू वो बचेगा 42 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 हो गया 10 एंड 5 4 20 प्लस 1 210। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है 200, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 210। तो जो टोटल इंटरेस्ट होगा आपका, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे इसको फॉर 2 ईयर्स, वो होगा 200 प्लस 210। तो जिसको प्लस करने पे आपका आंसर आ जाएगा ₹410। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर 2 ईयर, जो कि 4000 रुपीज़ में आपका बनेगा, वो बनेगा ₹410। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, उसमें जो प्रिंसिपल हम अमाउंट हमको दिया है, दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹6000। और उसके अलावा जो रेट दिया है वो दिया है 10%, और हमको निकालना है 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अब इसको हम वैसे ही निकालेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, देन सेकेंड ईयर का, देन थर्ड ईयर का। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का
इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 6000, रेट होगा 10। अब क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के लिए ही निकाल रहे हैं इसलिए टाइम हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 10 से कट जाएगा, 6000 का कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 600। तो ये 600 रुपीज़ जो है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा 6000 में, हमें इसको ऐड करना है जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो है 600। तो ये हो गया आंसर 6600। अब सेकेंड ईयर के लिए ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, तो अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है 6600 और जो रेट है वो सेम होगा 10, टाइम 1 होगा और डिवाइडेड बाय 100। तो 10 से कट गया, 10 इसका कट गया, तो फाइनली जो आया है वो आ गया है 660। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है 660 मिल गया। अब हमें थर्ड ईयर का निकालना है, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, ये जो प्रिंसिपल हमने लिया था 6600 में, ये वाला सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी हमें ऐड कर देना है, यानी 660 इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब ये इसमें ऐड हो जाएगा तो ये सिंपली बन जाएगा 0 then 6 then 6 plus 6 हो गया 12, देन ये 7। तो अब हमारा जो अमाउंट है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बन गया है 7260। तो अब हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो ये वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 7260, रेट तो वही होगा 10, टाइम हो गया 1, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 10 कट गया, ये 10 कट गया, तो फाइनली जो आंसर आ रहा है 726। तो ये अब टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा हमारा 3 साल का, ये तीनों को सिंपली प्लस कर देना, तो टोटल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है इट विल बी इक्वल टू 600 प्लस 660 प्लस 726, इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1986 रुपीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल है 6250 और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 8% और हमें कितने साल के लिए निकालना है, 2 ईयर्स के लिए निकालना है। तब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। नाउ यहाँ जो प्रिंसिपल है वो है 6250, रेट हो गया 8% और टाइम हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो 1 हो गया और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब 10 जो है इससे कट जाएगा, अब ये 2 5 10 हो गया एंड 2 4 8 होता है, फिर ये 5 कट जाएगा, 5 1 5 देन 5 1 5 5 2 10 एंड 5 5 25। अब 125 इंटू 4 करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है 500। अब सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल में इस इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 6250 प्लस 500, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 6750। तो सेकेंड ईयर के लिए हमें प्रिंसिपल लेना है 6750। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन
हंड्रेड, प्रिंसिपल हो गया हमारा 6750, रेट जो है वो सेम होगा 8% और टाइम होगा 1 ईयर। नाउ डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, अब ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, अगेन 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8 हो गया, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, ये किससे हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 135 इंटू 4 करेंगे, सो इट इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं 135 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20 का 0 यहाँ, 4 3 ज़ा 12, देन प्लस 2 हो गया 14, देन 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 हो गया 5। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 540 रुपीज़, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द टू ईयर विल बी, सिंपली दोनों को प्लस कर देंगे, 500 प्लस 540 रुपीज़, तो दोनों को जोड़ने पे आंसर आएगा 1040 रुपीज़। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड द अमाउंट व्हाइल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या दिया है हमको, यहाँ पे जो दिया है इन्फॉर्मेशन दैट प्रिंसिपल जो है वो है 7500 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है वो है 6% और हमें 2 साल के लिए निकालना है, यानी टाइम पीरियड है हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। नाउ जो प्रिंसिपल है वो है 7500, रेट है 6 और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, फाइनली 6 और 75 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30 का 0 यहाँ, देन 3 यहाँ, देन 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 3 हो गया 45। तो जो फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 450। अब सेकेंड ईयर के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा, 7500 में ऐड करेंगे 450, इसको प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, देन 4 प्लस 5 हो गया 9 एंड 7। तो जो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 7950 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए वो है 7950, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 6% एंड टाइम 1 ईयर होगा एंड डिवाइडेड बाय 100। नाउ 10 इससे कट जाएगा, ठीक है, फिर 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, देन 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, तो कितना आ रहा है 159 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 का 7 यहाँ, 2 यहाँ, 3 5 ज़ा 15, 16 17 एंड 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। तो जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 477। तो एट द एंड ऑफ टू ईयर जो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा उसमें आपको क्या करना है, दो तरीके से कर सकते हैं आप, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ये दोनों इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 450 एंड 477, या दूसरा तरीका ये है कि सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है उसमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं पहले वाले तरीके से कर ले रहा हूँ, 7500 में प्लस करेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 450, फिर प्लस करेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 477, तो इनको प्लस करेंगे तो इसको प्लस करने पर आंसर आ रहा है 8427। देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल जो है वो है 2500 और इसका जो रेट हमको दिया है वो दिया है 8% और कितने टाइम के लिए, टाइम जो है वो 2 ईयर्स में हमें निकालना है।
ठीक है, 2 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी 2500 कितना अमाउंट उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा सिंपली प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो जो प्रिंसिपल है वो हो गया 2500, रेट 8 है, और फर्स्ट ईयर के लिए टाइम होगा 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 100, जिसमें ये 2 जीरो कट जाएगा, एंड 25 × 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू 8% वो बन जाएगा 200 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो कि 200 था, तो 2500 में जोड़ेंगे 200 तो बन जाएगा 2700। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बन गया 2700। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर सेकेंड ईयर, तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की जगह लिखना है 2700, रेट होगा 8% और सेकेंड ईयर के लिए भी टाइम पीरियड 1 ईयर होगा डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब आपको सिंपली 27 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 7 होता है 56, का 6 यहाँ आएगा 5 इधर, 8 2 16, 16 + 5 हो गया 21, तो 216 आ रहा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। जो टोटल अमाउंट है 2 ईयर्स में वो हो जाएगा हमारा इनिशियल प्रिंसिपल जो कि था 2500 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है 200 और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 216, इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2916। अब देखिए इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें क्या दिया है, जो प्रिंसिपल हमको दिया है वो दिया है 5120 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12.5%। ये देखिए 12.5 ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया है, हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम 12.5% ऐसे भी लिख सकते हैं। और कितने साल के लिए निकालना है, टाइम पीरियड हमको दिया है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स में कितना अमाउंट हमें मिलेगा वो फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 5120, रेट हो गया 12.5, टाइम पीरियड हो गया 1 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसमें से ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, अब हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये डेसिमल को हटाएंगे और नीचे 10 इंक्रीज कर देंगे, तो 512 × 125 डिवाइडेड बाय 10 हमने 10 में बढ़ा दिया। अब क्या होगा, यहाँ से डेसिमल हट गया, यहाँ पे 0 आ गया, अब 25 से काट दो, 25 × 4 = 100 होता है और 25 × 5 = 125 होता है, अब ये भी कट जाएगा, 4 × 1 = 4, फिर यहाँ से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 4 × 8 = 32। ठीक है, तो अब आपको केवल 128 मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 8 × 5 = 40, का 0 यहाँ लिखेंगे, 4 × 5 = 10, 10 + 4 हो गया 14, देन 5 × 5 + 1 हो गया 6, तो 640 आ रहा है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, 5120 में प्लस कर देंगे 640, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी 5760 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर में, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, तो प्रिंसिपल है 5760, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही होगा 12.5 × 1/100। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे 12.5 का, ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे 10 ऐड करते हैं, अब होगा क्या, 10 इससे कट जाएगा, अब 25 से काट दो इसको, 25 × 4 = 100 एंड 25 × 5 = 125। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 × 1 = 4, इसको कैंसिल करते हैं, 4 × 1 = 4, देन 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, तो आंसर यहाँ पे आ रहा है
144 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 होता है, देन 5 4 20 प्लस 2 22, देन 5 1 5 प्लस 2 हो गया 7। तो 720 आ रहा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 640। अब जो टोटल अमाउंट है एट द एंड ऑफ टू ईयर वो हमें मिलेगा, पहले प्रिंसिपल 5120, इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 640, फिर ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है 720। तो इन सभी को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6480 रुपीज़। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए फार्मर वांटेड टू बाय अ डीजल पंप एंड टुक ए लोन ऑफ ₹5,500। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेना है 5,500 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए उसने एक डीजल पंप के लिए लोन लिया है, लोन का अमाउंट उसने 5,500 लिया, तो ये हमारा जो प्रिंसिपल है ये 5,500 है। उसके बाद उसमें लिखा है एट ए रेट ऑफ 4%, यानी यहाँ पे आपका जो रेट होगा वो 4% है, जो कि पर एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। अब इसमें आगे क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट हाउ मच मनी विल द फार्मर रिटर्न टू द बैंक आफ्टर टू ईयर, मतलब दो साल के बाद, है ना। तो टाइम पीरियड जो है हमको टू ईयर्स दिया हुआ है, तो दो साल के बाद वो कितने पैसे बैंक को लौटाएगा, यानी हमें क्या फाइंड करना है, दो साल के बाद इस लोन का कितना अमाउंट हो जाएगा जो फार्मर को रिटर्न करना है। तो अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट के लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। अब देखिए जो P है वो है 5,500 और रेट है आपका 4%, फर्स्ट ईयर के लिए टाइम 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बस 4 और 55 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20 का ज़ीरो यहाँ टू यहाँ, देन 4 5 20 प्लस 2 22। तो देखिए पहले साल का जो है इंटरेस्ट बन रहा है 220 रुपीज़। अब हमको क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए निकालना है, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, तो 5,500 में हमें जोड़ना है 2 and 220, तो इसको प्लस करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 5,720 आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, तो आप उसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल है 5,720, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है और टाइम पीरियड है सेकेंड के लिए 1 ईयर, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये देखिए 1010 ये कट जाएगा, फिर इसको अब सिंपली हम क्या करते हैं, 4 को 5 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 होता है, देन 4 7 28 होता है, 28 का 8 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, देन 4 5 20 एंड 20 प्लस 2 हो गया 22, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो यहाँ पे ये 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे हम 228.8 बन जाएगा ये, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इतना आ रहा है। अब जो है टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ टू ईयर वो हो जाएगा 5,500 प्लस 220 प्लस 228.8। अब इन सब को हम प्लस करते हैं तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5,948.8 रुपीज़। देखिए अब यहाँ पे हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है अनुराधा डिपॉजिटेड ₹800 इन एन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा अनुराधा के लिए, उसने डिपॉजिट किया है, सॉरी 8,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो गया 8,000 और कितने इंटरेस्ट पे है, 5% पे, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब हमें बताना है कि 3 साल बाद उसको कितना जो है अमाउंट जो है मिलेगा, इतने ब्याज पे कितना बन जाएगा उसका, और जो कि कंपाउंडेड है,
एनुअली कंपाउंड होगा उसका पैसा, तो 3 साल बाद कितना अमाउंट उसको मिल जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो है 2-3 ईयर्स, और हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट ए हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सेकेंड ईयर का निकालेंगे, फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे, और तीनों ईयर का इंटरेस्ट हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल इनटू रेट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है 8000, रेट होगा 5 और टाइम होगा 1 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा ना, 5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 8 40। तो 400 रुपीज़ आ रहा है पहले साल का इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे 400 रुपीज़। तो 8000 प्लस 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8400। तो अब सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो फॉर सेकेंड ईयर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल यानी 8400 इंटू रेट वही रहेगा 5 और टाइम पीरियड 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। अगेन यहाँ ये 2 जीरो कट जाएगा, अब 84 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 4 20 का 0 यहाँ, 2 यहाँ, 5 8 40 प्लस 2 42। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है 420। अब थर्ड ईयर के लिए फिर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, तो जो 8400 इसमें हम ऐड कर देंगे 420 रुपीज़। तो ये बन जाएगा अब इसको प्लस करने पे ये बन जाएगा 8820। तो अब थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है 8820। तो फॉर थर्ड ईयर तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो गया प्रिंसिपल यानी 8820 इंटू रेट यानी हो गया आपका 5%, टाइम 1 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 100। तो एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फिर 5 1 5 5 2 10, फिर 2 1 2 इसको काटेंगे तो 2 4 8 2 4 8 2 1 2, तो ये बन गया 441 रुपीज़। तो एट द एंड ऑफ थ्री ईयर कितना अमाउंट होगा, अमाउंट जो होगा उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी पहले का जो था प्रिंसिपल 8000, फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है 400, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 420 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 441, ये तीनों को जोड़ देंगे तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9261 रुपीज़।